तो गाइस ये खा रहे थे कि फिरनी दूध और फिरनी, मेरे भी इच्छा होगी, मैंने वो खाने की थी तो मैंने इनको भी लगा। सुबह रोजा रखोगे क्या तुम? यस। तो गाइस इनको देगी, मीठा कम लग रहा फिरनी में, मैं तो खा चुकी हूँ मेरी, देखी क्या करेगी। फुल डब्बा भरा चीनी का और दोनों भाई खा रहे चहरी है ना। रात भर जगे रहो, खाते रहो और फिर जब फजर पड़ के फिर सो जाना, ठीक है? Okay. तुझे तो स्कूल जाना हो भाई, है? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़मीन कुरैशी व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। हम सब ठीक है आप सबकी दुआ से, और आप सब भी ठीक होगे हम सबकी दुआ से। तो अभी चल रहे रमजान, तो अब रमजान का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। 9 रमजान का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है गाइस। पिछला व्लॉग आपने देख ही लिया, इसी ड्रेस में था तो मैंने वो एडिट करके फटाफट व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो चलो अभी हम आपसे मिलते हैं शहरी में, अभी सो जाते हैं। अभी मैंने फिर नहीं खा लिए, और ये अचार मेरी भाभी ने भेजा था, ये यही रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा अचार था गाइस, बहुत ही अच्छा है, इसलिए थोड़ा संभल संभल के खा रही हूँ। अचार जैसे मेरे को डॉक्टर ने मना बताया है, लेकिन फिर मैं खा लेती हूँ। बस मिलती हूँ आपसे शहरी शहरी में, और बच्चे सब सो गए। तो गाइस अभी क्या है नाम के भाई के माँ अमन के इमरान जी के कपड़े टेलर के डाल रहे। पहले ये क्या है ना, कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है, अच्छा है, तो वो उन्होंने मतलब फिर आप वॉश करना, फिर आप उसको सुखाना, फिर आप उनको डालना, तो कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी, तो उसको हम पहले रात भर भी धो देंगे। चलो गाइस चलते। तो गाइस हमारी सहरी हो गई है, क्योंकि बस सहरी हो गई है, अभी जो नहीं बनाया तो अभी मेरे को बाल्टी रखी है ना वहाँ, उनको भी लगा देना। तो गाइस सुफियान को बहुत नींद आ रही थी, भाई पानी पी ले। ए सुफियान पानी पी लो, सहरी बंद होने वाली, ले तू सो जा। आजकल चाय नहीं बना रहा, चाय जो स्टॉप कर दे। तो देखिए फाइनली बहुत अच्छे लग रहे फ्राई होते हुए, एकदम स्लो फ्लाई, स्लो धीमी आंच में, मतलब ये देखिए अभी मैं पकने लगा, तो ये देखिए कितना बकेड़ा कर दिया, तो कितने मजे से खा रहे थे वो गाइस। समोसा खाते नहीं है हमेशा, ये मेरी चीज कम ही खाते हैं, जब अच्छी लगती है ना तभी पता है इनको क्या अच्छी चीज है। तो ये कौन सा समोसा है? चाउमीन समोसा, इट्स कॉल्ड अ चाउमीन समोसा। ये देखिए काफी क्रिस्पी एकदम, मेरे को इसके अंदर देखो ये चाउमीन, देखो ये देखिए चाउमीन। तो गाइस ये देखिए कितना क्रिस्पी और अंदर चाउमीन फुल। गाइस ये देखिए जो समोसा को फ्राई किया ना, फ्राई करने वाले ने वाकई में मजा आया, करने वाला कौन कोई नहीं, अंदर की फीलिंग भी अच्छी है और बाहर का तो उससे भी ज्यादा अच्छा, चटनी होती है और ज्यादा मजा। गाइस अभी दुकान की और ये बेकरी की क्लीनिक क्लीन अप एंड क्लीन अप, ये देखिए सारा सामान बाहर लोड कर दिया है, कार्टून में डाल दिया, और ये देखिए बच्चे और हस्बैंड बाहर खड़े हैं।
गाइस देखिए, काम करते करते कोल्ड ड्रिंक को निकल दिया है, पानी पी लिया है। किसने बोला जानवर खड़ेगा? मैं अपने लोगों को ये वाला काम सा कोई पाई पाया बोल रही हूँ। अल्लाह करे तो सारे मार्किंग को रेसिपी के लिए। अल्लाह तोबा, तोबा के मेरे बहुत आंखें। हाँ ये अच्छे का। और हर मोहल्ले के अंदर जितने भी बच्चे दिखे या जो काम में खा रहे हो दिलवा खा रहे हो दिलवा बन जाएगी टेंशन उतरो आप इसलिए आपका ही शांति के लिए कितने घोड़े बाकी तेरे बोले डायलॉग चल मेरे तो हो गया तू काम करियो मेरे को वहां पे मिलियो कढ़ाई के पास जा बजा अभी अंदर से भी कर दो बाहर से है अपन पास यही होएंगे साथ अब दोनों प्रोजेक्ट में जा रहे हो फिर तो होगी पूरे पूरे अब वहां मिलियो कढ़ाई के पास अब तू उधर से कर बाकी आड़े में अरे फोन भी आ गए रुक गए दोनों लोग आए ओके स्टॉप कर दो बना वो भी खा ली ये गरम चाय की प्याली हो लेकिन वो भगोने में खाली हो ये हाथ बन रहे हैं देख हाँ साफ कर क्यों थोड़ा गीले कपड़ा इस देखिए रात के 2:30 बज गए और अभी तक सफाई पूरी कंप्लीट नहीं हुई ये इमरान जी पोछे को गंदा करने में लगे और सुफियान को बड़ा चाव चढ़ा है दुकान बहुत अच्छी सफाई हुई और मायर कुर्सियों साफ कर रहा और मैं ये भट्टी साफ कर रही देखिए कितनी डस्ट हो गई इसके अंदर गंदगी और माशाल्लाह इमरान जी तो लग रहा पूरे मौलाना साहब सभी देखी इतनी थकान हो गई कि बस ऐसा लग रहा बस ऐसे ही सो जाऊं भूखी प्यासी शेरी ऐसी कर लो बिरयानी भी मंगा ली मैंने इमरान जी से बहुत कमर में दर्द और माहिर यहाँ बिरयानी लपा लप ले पर है क्योंकि इनकी मजूरी लेबल 4 सिर्फ बिरयानी है मैं कह रही हूँ इनको शेरी कर लो फिर सो जाओ तो बस साफ सफाई हो गई है ईद की सफाई पहले कर ली मैंने ताकि ईद पे ज़्यादा ना दिक्कत हो फटाफट हो जाए ना आप सोच रहे हो रात को इतनी लेट क्यों लेकिन क्या था इस दिन में बहुत दोपहर होती है फिर कस्टमर भी परेशान करते रहते हैं फिर इतना फैलावा तो फिर आप पार्टी गिराकी चली जाती है ना तो हमने सोचा रात को इसी दिन आ गए हमारे इमरान जी इनकी
गाइस ये देखिए दुकान को एकदम क्लीन कर दिया हम लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए अभी आ रही के खाली कुछ रहेगी तो इधर सामान लाएंगे। ये देखिए सब एक एक चीज साफ सफाई। ये देखिए इनको देखिए। गाइस सहरी करने के बाद हमें पीनी थी छाछ, दही नहीं थी तो हमने सोचा चलो छाछ पी लेते। चीनी डाल के ये भाई को और सुफियान को दे रही हूँ, वो नीचे है अपनी बेकरी पे। और ये है हमारी बाल्टी लिफ्ट, बहुत ही प्यारी फास्ट एंड फिल। सो गाइस अब सहरी के बाद मैं छाछ पी, मतलब सहरी करके 1.5 घंटे बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत, आपने देखा होगा पिछली क्लिप कि मैं चाय पराठा खा रही फिर, यानी 1 घंटा हुआ उसको खाए को। बस गाइस वो छाछ और दही पीने से, खाने से, कहने लस्सी पीने से ऐसे गला सूखा सूखने लगता, प्यास का महसूस नहीं करता, इसलिए और नहीं बच्चे है ना। तो बस इसीलिए आपकी सीट हो गए, हो गई होगी ना। चल रहे थे आज भी जुमा, जुमे का दूसरा दिन। तो ये देखिए इतना बड़ा मन वर्ल्ड कप, मिलती हूँ आपसे कुछ देर। कितना बोल दिया? ओ मुझे दे दे। और ये? मैं सब तुम्हें ले लो। मैं गरीब हो जू। राजू ये कितना बोल दिया? हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को रमजान का दूसरा जुमा मुबारक। अभी दिन के सुबह के 8 बजे बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ शॉप पर। गाइस मैं आपको आप बोलिए आप फिर इमरान जी के साथ चले गए हम बैंक, क्योंकि हमारी आने वाली है यूट्यूब की पहली सैलरी गाइस। तो आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा कितनी सैलरी आ गई है मेरे पास। और ये आगे मैं बिना बोल के इमरान जी के साथ छुट्टी होने के बाद इनके जो सुबह ऐसे देखी मेरी बहन ने सिला मेरे लिए, तो आज मैं जुम्मे वाले दिन यही सूट पहनती हूँ, वरना उसको बुरा लग जाएगा मेरी बहनों को। तो अब ऐसे मेरे पास नया सूट है भी नहीं, तो ये देखिए तो मैं पहन के बताती हूँ कैसे सुना। कुर्ता और पैंट सिया उसने, तो ये मेरे 2-2.5 साल से गए सूट पड़ा था पैंटिंग, यानी कोई सिल ही नहीं जाता, बोला कपड़ा नहीं है कोई, बोला सिलेगा नहीं। तो इसने जैसे तैसे करके देखिए पट्टी पुट्टी डाल के जैसे सिला, अच्छा है पहन के। इमरान जी को घर ही जुमे की नमाज पढ़नी पड़ी क्योंकि मस्जिद में बहुत ज्यादा भीड़। गाइस इफ्तारी का टाइम हो गया, बच्चे बैठ गए माशाल्लाह जल्दी से हो गया। और मीशा नियत लगा रही है और सनाया को देखी टोपी पहन रही, लड़का बनने का बहुत शौक है इसको। तो चलो अभी हम वजू करते हैं मिले, फिर बैठेंगे हम दुआ करेंगे। बच्चों सभी दुआ करो फिलिस्तीन के लिए, जो बहुत ज्यादा बेचारे परेशान है ना। किसके लिए दुआ करोगे आज? रोज दुआ करना उनके लिए ना। हाँ है ना संचू, और छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं ना। और यहाँ बेन का सूट। तो गाइस आज बनाया हमने फिर से मोहब्बत का शरबत, माय फेवरेट और मेरे बच्चों का फेवरेट। ये देखिए आज बनाया मैंने सही असली वाला, उस दिन तो गाइस थोड़ा गड़बड़ा गया।
ये देखिए, ओए होए 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 में कपड़ा तो गाइस हो गए इफ्तार। आज गाइस बहुत थक गए गाइस, बहुत ज्यादा, और आज सोचे तो बहुत एहसास हो गया। आज फिर मैं बाहर गई ना बैंक में इनके साथ, बहुत एक डेढ़ घंटा खराब हो गया था। उससे क्या मेरे गले में से चुभन से मतलब फूटा फूटा पक से। अब ये देखिए, इनको पता है लोग बनता है आ जाती है। बताओ इनको क्या करूँ गाइस, बताओ इनको। बच्चों को बोलो गाइस कमेंट करना हिंदी में इंग्लिश में जो भी करना है। इन बच्चों को मोबाइल से मेरे, हमारे बच्चे इतने गंदे है इतने गंदे, आप क्या बताओ बताओ। मैं कुछ बता भी नहीं सकती। अगर मेरे बस में हो ना दो मोबाइल तो मैं इनका कैमरा कैचअप करके, वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। अभी मैं चाय पी लेती हूँ गाइस। इफ्तार की बात की चाय शहरी में गाइस मुझे चाय नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैं पी लेती हूँ। लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी लगनी, लेकिन आप जो चाय लगती ना वो हो बस कुछ भी मत। भाई गिर जाएगी, नहीं दिमाग ही खराब करते सारे। सुकून से दो घूट चाय भी नहीं पीने देंगे।